अस्सलाम वालेकुम, मैं किंग शेफ शाहिद जट। आज आपको बहुत ही अच्छी फिश सितारों में बोर्डलेस फिश जो आती है मार्केट में उससे बनेगी, ये कांटे वाली मछली से नहीं बनेगी। आपने जब भी लेनी है बनानी है तो उसको बोलेगा जो बोर्डलेस फिश होती है वो वाली दे। सही, मैं आपको तंदूरी फिश बनाना सिखा रहा हूँ। तंदूरी फिश फ्राई बहुत जबरदस्त बनेगी। आप इसको डिफ्रीजर भी कर सकते हैं, 15-20 दिन तक खराब नहीं होगी। तो चले आए आपको सिखाते हैं तंदूरी फिश फ्राई। सबसे पहले आपने देखे एक किलो मैंने ले ली बोर्डलेस फिश मिलती है बेहतरीन, मुख्तलिफ नाम से है, तो वो आप ले लीजिएगा। मार्केट में जाएंगे वो आपको बता देंगे, बोले कांटे वाली नहीं चाहिए। सही है, ये आप ले लें एक किलो, ये ले लीजिए। इस साइज के बड़े बड़े टुकड़े आपने करवा देने, इसकी खाल भी उतर जाती है, खाल उतार ली हुई हमने। सही, ये हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर मसाले क्या क्या जाएंगे? 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ, 1 टीस्पून एंड हाफ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून एंड हाफ जीरा पाउडर थोड़ा कुटा हुआ, ये है अजवाइन, 1 टीस्पून अजवाइन। आप अगर कम पसंद करते हैं तो हाफ टी स्पून भी डाल सकते हैं। सही जी। अच्छा जी, ये हो गया आपका। ये है मेथी, कसूरी मेथी आती है, 1 टीस्पून एंड हाफ कसूरी मेथी जाएगी। हल्दी 1 टीस्पून एंड हाफ हल्दी जाएगी। ये थोड़ा सा तंदूरी कलर है, बारबेक्यू कलर भी कहलाता है, ये आप ले आए, या जर्दा कलर एक ही चीज है। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून एंड हाफ, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, HB सॉस 1 टेबल स्पून, फिश सॉस 1 टीस्पून। अगर है डाल लें, नहीं है सॉस तो नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। 1 टेबल स्पून एंड हाफ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कोयला लेंगे हम, ब्रेड क्रम मोटे वाला, बारीक वाला नहीं मोटे वाला, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा बनाना इंशाल्लाह ताला। ब्रेड क्रम ले लें 1 पाव के करीब, उसमें से भी बच जाएगा। 2 अंडे। सही जी, बहुत आसान और जबरदस्त। चले आए हम बनाते हैं। स्टार्ट ले जी, 1 टीस्पून काली मिर्चें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट पूरा डाल देंगे आप। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून एंड द हाफ, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला ये टीस्पून है हमारा 1 टीस्पून एंड द हाफ, नमक 1 टीस्पून एंड द हाफ या फिर हसबे जरूरत, जीरा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा बढ़ा दें। ये आ गई हमारी मेथी 1 टीस्पून एंड हाफ, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून एंड हाफ, 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। ये आ गई हमारी अजवाइन 1 टीस्पून के करीब, अजवाइन डाल दी आपने। ये आ गई हमारी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, लाल मिर्चें आपने डाल देनी है या फिर जितनी आपको पसंद है। अच्छा जी, ये हमारा आ गया बारबेक्यू कलर या जर्दा कलर, थोड़ा सा डाल दें इसके अंदर। सोया सॉस, वन टेबल स्पून HB सॉस हिला लें इसको अच्छी तरह, 1 टेबल स्पून डाल दें या 1 टीस्पून डाल दें। फिश सॉस 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून। सही, ये सारे मसाले हो गए। अब इसको मिक्स कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसको ज्यादा देर छोड़ना नहीं, हमने सिर्फ 5-10 मिनट फ्रिज में रखे
और बस फिर हम इसको बहुत मजे की बनती है, बिल्कुल नई रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आप बनाएं। कोई बेसन की जरूरत नहीं, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, इसी से बहुत जबरदस्त बन जाएगी। ये नमक चेक कर लें, ओके नमक, तमाम मसाले ओके, सही जी। अब हमने क्या करना है, अब हम कोयले को रखते हैं जरा चलने के लिए, फिर हम आपको दिखाते हैं। कोयला हमने गर्म कर लिया है इसको आग पे, और एक रोटी का कतला रख लें, या फिर आपके पास फोल हो और अपना सिल्वर फॉल हो वो रखना है। इसे रखने के बाद इस पे डालें आप थोड़ा सा ऑयल, सही, और उसको ढक दें, सही, 2 से 3 मिनट इसको ढका रहने दें अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर सब धुआं हुआ आ जाए, इसकी स्मोक आ जाएगी। फिर हम आपको बताते हैं अब इसको कैसे करना है हमने। तो ये आपकी तंदूरी फिश फ्राई जबरदस्त बन जाएगी जी। हमने 2 मिनट रखा, ये धुआं निकल गया, ये उठाएं इसको ऐसे ही, इसको डिस्चार्ज करें, ये हमने उठा दिया। अब हमने क्या करना है सीधा सीधा, अब देखें ये अंडे ले लिए हमने 2 मदद, अंडों को फेंट लें अच्छी तरह, मोटा वाला लिएगा ब्रेड क्रम्ब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब आपने उठाना है इसको, ब्रेड क्रम्ब लगाया, सही, सारा मैं प्लेट में बन गया, सही जी। इस तरह आपने अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब, तो ये इतने 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 बड़े ही इसके पीस रखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। इसको देखिए डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसको शैलो फ्राई करूंगा, सही, आपको जो पसंद हो आप करने, कोई मसला नहीं। सही, इस तरह हमने सारे कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने इसको यूं उठाना है, ये अंडे में डिप किया, अच्छी तरह निचोड़ लेना इसको, निचोड़ने के बाद दोबारा ब्रेड क्रम्ब में हाथ साफ कर लें, दोबारा इस तरह आपने सारा इसको ब्रेड क्रम्ब में कर लेना, और अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो ऐसे ही आपने ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको फ्रीज कर सकते हैं, जब भी फ्राई करना हो 15-20 मिनट पहले आप इसको निकाल के रख लें और फिर आपने इसको फ्राई कर लेना। ये देखिए इस तरह हमने सारा इसको कर लेना, और एक हमने चढ़ा दिया ऊपर, सही, इस तरह हम सारे लगा लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह फ्राई। जी हमने ऑयल चढ़ा दिया, माशाल्लाह से हो गया ये गरम, अब देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दरमियानी आंच पे इसको आपने रखना है, बहुत तेज ना हो आंच,
भी दरमियानी आंच कर दे ताकि लाल ना हो और आराम से इसको पकने दें। दोनों साइड पे कलर आ जाए तो आप इसको चेंज कर देना, फिर हम आपको दिखाएंगे। चलिए जी, इसको हमने पलट दिया, जैसे कलर आया आपने इसको पलट देना है। बिल्कुल वाइट नहीं निकालिएगा, थोड़ा सा ब्राउन करके ताकि अच्छा लगेगा। ये एक से दो दफा आप इसको पलटें। अब आग तेज कर देनी है आपने फुल। पहले जब डालनी है तो दरमियानी आंच हो, ऑयल गरम हो, पहले गरम करके हल्का कर लेगा चूल्हे को, तो फिर आपने फिर थोड़ा तेज करना है दो मिनट के बाद, फिर आपने इसको तेज कर देना आंच को, फिर तेज पे निकालना है। तो ये दबा दें, क्योंकि आपको पता मछली हो गई, चिकन हो गया, एक से दो मिनट में गल जाता है जैसे ऑयल में जाता है। तो ये बहुत मजे की माशाल्लाह बनी है, अभी हमने चेक की है। तो ये ऐसे कलर दे दें दोनों साइड पे, अच्छा सा खूबसूरत सा। इस कंडीशन में आपने अगर फ्रीज करना है तो इस कंडीशन में थैली में एक एक पीस, प्लास्टिक की थैली में एक एक पीस पैक करके और बड़ा जार लेके उसके अंदर पैक करके आप रख दें। जब भी करना है निकाला जितने पीस उसको बाहर रखा, नरम हो गया और कर लिया आपने। सही जी, अब हम इसको निकालते हैं फिर हम आपको दिखाएं। सही जी, माशाल्लाह हमारी तंदूरी फिश फ्राई तैयार है, हम आपको काट के भी दिखा देंगे। देखें जैसे मर्जी काट लें इसको। सही जी, फर्स्ट क्लास। और साथ में हमारी चटनी और ये जो हमने आपको सॉस कई दफा सिखाया है ये आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। सही जी, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आपने हमारे चैनल पे आना है, किंग शेफ शाही जेट जीए पाकिस्तान। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरा नंबर लिख लें 03150449, 03150449। इसके साथ ही पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदा।